नमस्कार दोस्तों, पुराने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए वहाँ पे गुड न्यूज़ नहीं निकल के आई है। पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूँ। पुराने ड्राइविंग लाइसेंस जो धारक हैं उनकी हवा बिल्कुल टाइट हो चुकी है। ये दोस्तों खबर क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी महीने दर महीने ये बिल्कुल मैंने आपको बताया है, इसमें मेरी बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। हर महीने जो भी यहाँ पे अपडेट्स आते थे ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स के लिए, तो ये क्या निकाला है, वहाँ पे कदम उठाया जा रहा है, ये आपको जानना चाहिए। अगर आपके पास भी पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो, या फिर पेपर वाला लाइसेंस है तो भी, तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें ये इंश्योर्ड होने के लिए आपको इस चैनल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ये नहीं किया तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका लाइसेंस गया और आपका बिल्कुल डेटा ख़राब हो जाएगा, आपके लाइसेंस का डेटा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम ओपन है, ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पर ज़रूर आके अपने क्वारीज पूछ सकते हैं। @TechnicalAlokji इंस्टाग्राम हैंडल है दोस्तों। पुराने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उनकी जो अवधि है उनको रिन्यूअल करवाने की, वो अभी तक डेट नहीं आई है, लेकिन उनको करवाना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अब डेट एक निकल के आ गई है, 1 दिसंबर से ये पोर्टल ओपन हो रहे हैं RTDT ऑफिस में, वहाँ पर आपको जाना है और 31 दिसंबर तक ये ओपन रहेंगे। 31 दिसंबर के बीच में यानी कि आपको 31 डेज़ मिल रहे हैं। इन 31 डेज़ में RTDT ऑफिस में विज़िट करिए, वहाँ पर आप जाइए और अपने लाइसेंस को अपडेट के लिए दे दीजिए या फिर उसको रिन्यूअल के लिए डाल दीजिए। अगर आप रिन्यूअल भी करवाते हैं या फिर अपडेशन भी करवाते हैं, दोनों तरीके से आपके लाइसेंस आपको स्मार्ट कार्ड में दिए जाएंगे। उसकी एक निश्चित पेमेंट आपको करना पड़ता है जो कि है ₹500। तो अगर आप अपडेट करवाते हैं तो आपको ₹500 देना पड़ेगा, और अगर आप रिन्यूअल करवा ले जाते हैं तो रिन्यूअल के जो चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यू हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों जो खबर निकल गया है वो जान लीजिए। केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ने ये दोस्तों नोटिफिकेशन जारी करके बोल दिया है कि जितने भी पेपर वाले ड्राइविंग लाइसेंस हैं और जितने ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस हैं जो कि 2014 के पहले के हैं, इस पर प्लेटिनियम चिप या QR कोड नहीं मेंशनड है, ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी से ख़त्म कर दी जाएगी। 1 जनवरी 2021 से सिर्फ उन्हीं ड्राइविंग लाइसेंस को वरीयता और मान्यता दी जाएगी जो नए पैमाने के हिसाब से नए प्रोफार्मा में ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि जो लाइसेंस QR कोड जिसपे हैं, जिसपे प्लेटिनियम चिप वगैरह है, सिर्फ वही लाइसेंस मान्य रहेंगे। अगर आपके पास एक पेपर वाला लाइसेंस है तो अभी आपको सतर्क हो जाना है, तुरंत से तुरंत उसको जाइए। 1 दिसंबर से ये पोर्टल सब जगह ओपन हो जाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और अभी भी आप जा सकते हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तभी भी इन द मंथ ऑफ नवंबर अपने ऑफिस में विजिट करके नियरेस्ट जो आपके पड़े घर जाइए, वहां से आप अपडेट के लिए आपने रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि हमारा सर लाइसेंस हमको अपडेट करना है, अपडेशन उसको बोला जाता है, अपग्रेड कर लीजिए, या फिर आप उसमें दोस्तों रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दीजिए। दोनों ही तरीके से आपको नया लाइसेंस मिल जाएगा। मैंने आपको बता भी दिया कि वही लाइसेंस चलेंगे 1 जनवरी 2021 से, जिनमें दोस्तों QR कोड, प्लेटिनियम चिप, ये सब पूरा मेंशन रहेगा, और जो नए प्रोफार्मा से बनाए गए हैं यानी कि एक देश एक लाइसेंस, जैसे आपको पता ही है 1 अक्टूबर 2019 से ये नियम लगा हुआ है, तो ऐसे जो नियम है उसका जो पालन करके लाइसेंस बनाए गए हैं यानी कि सभी राज्यों में एक जैसा लाइसेंस, उस तरीके का अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है आपके पास उस तरीके का लाइसेंस, यानी कि आपके लाइसेंस में अगर प्लेटिनियम चिप है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लाइसेंस में अगर QR कोड है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों आप एक सिम्बोलिक, मैं रिप्रेजेंटेटिव तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपके वहाँ पे कार्ड में उठा कर देखिए, अगर ये दोनों में से कोई एक भी चीज़ है या फिर दोनों की दोनों है तो आपको घबराना नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ें आपके ड्राइविंग लाइसेंस में मौजूद नहीं हैं तो फिर आपको RTO ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो जाकर बिल्कुल इसको करवा लीजिए, जो निश्चित डेट है वो 31 दिसंबर 2020 है, उसके बाद फिर पेनाल्टी, जुर्माना, और फिर अगर आप अपडेशन रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो फिर पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। तो क्यों ना टाइम पर ही हम अपने लाइसेंस को हम मेंटेन करके अपग्रेड कर लें। नवंबर का भी महीना पूरा बचा है और 1 दिसंबर से ये ऑफिशियली आप लोगों के लिए डोर ओपन हो जाएंगे RTDT ऑफिसेस में, और 1 नवंबर से, और फिर उसके बाद पूरा दिसंबर, तो अभी आपके पास 1.5 मंथ बचा हुआ है, तो आप जाकर अपने लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। पुराने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यही थी खबर।
तो बस इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, मुझे दीजिए इजाज़त और मैं मिलता हूँ नए वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।